गणतंत्र दिवस पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां एवं महाराष्ट्र सरकार से उद्योग जगत में श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी चेयरमैन इंडियन लॉजिस्टिक ग्रुप ऑफ कंपनीज मुंबई को शीर्ष सम्मान मिलने पर हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। सौजन्य से वरुण शर्मा मित्र मंडल सतना। आज प्रदेश के मुखिया सतना प्रवास के दौरान आदिवासी परिवार छेदीलाल कोल के घर भोजन करने पहुंचे, जिसको लेकर आदिवासी परिवार बहुत उत्साहित था। हम आपको दिखाते हैं कि सीएम के आने की पूर्व क्या क्या तैयारियां की गई थीं। नमस्कार, न्यूज अब तक आज आपको उस घर पे लेके आया है जहां आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह खाना खाने के लिए आ रहे हैं। रीवा से वो सतना पहुंचने वाले हैं और एक आध घंटे में इस घर पे आएंगे। ये हम बता दें, पतेरी का मार्ग है, उत्तरी पतेरी का। देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं, पुलिस मुस्तैद है। इधर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर लगा हुआ है व्यवस्था करने पे। और ये एक आदिवासी बस्ती है जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला था। ये हम दिखा देते हैं, हितग्राही का नाम है छेदीलाल और जिसको ये आवास मिला हुआ है और जिसके घर में आज पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप एक मिनट थोड़ा सुना दें, ये पूरी व्यवस्थाएं जो की गई हैं आज यहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भोजन करेंगे। आपका क्या नाम है? छेदीलाल। ये घर के मालिक हैं छेदीलाल, जिनसे हम बात करते हैं। थोड़ा सा मास्क निकाल लीजिए। छेदीलाल जी, आप क्या मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, जो मेरे पास है मेरे को घर दिए, घर में पाया और सभी पा रहा हूँ। आप क्या क्या बनाया है मुख्यमंत्री जी के लिए? मुख्यमंत्री के लिए जो मैं रोज खाता हूँ वही खिलाऊंगा। क्या खिलाएंगे बता दीजिए? सब्जी रोटी खिलाऊंगा, हाथ पोई रोटी खिलाऊंगा, चूल्हे की गैस की नहीं, हाथ की पोई खिलाऊंगा। सब्जी भाजी जो है तो बना के खिलाऊंगा। और तो और क्या, खीर भी बना रहे हैं? खीर भी थोड़ी से बनेगा। कहाँ पर बना रहे, दिखाइए कहाँ कैसे आइए। तो ये दिखाते हैं आपको हम छेदीलाल अपने घर पे क्या क्या बनवा रहे हैं, किस तरीके से। ये छेदीलाल जी के घर के हैं और देखिए ये सीएम साहब के लिए खाना, ये देखिए जिसे हम कहते हैं भरता, ये चोखा कहते हैं, भरता कहते हैं, देखिए महिलाएं। और ये पूरे ग्रामीण परिवेश के जैसे बनाते हैं। ये देखिए चूल्हे पे पक रहा है, महिलाएं बना रही हैं। और आप छेदीलाल जी की बहू हैं जी, क्या 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 बनाया है मुख्यमंत्री जी के लिए? कढ़ी बनाए हैं और लौकी की सब्जी है और खीर है और रोटी है पानी वाली और चावल है और भरता है, अचार रखे हैं, मिर्ची तल लिए हैं। ये बताइए कि जब आपको पता चला तो आपको कैसा लगा कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कैसा एक अंदर से भाव आया आपके? बहुत अच्छा लगा कि मतलब हमारे घर में अतिथि देवो भव कहते हैं, जो हिंदी भारतीय संस्कृति में, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। हम मतलब गरीबों के यहाँ आ रहे हैं, इतनी बड़ी बात है। और आके मतलब कुछ तो थोड़ा सा विकास हुआ है और हम मतलब छत्र छाया बना दिए, रह रहे हैं और भी विकास कर रहे हैं। उनके आने से नालियाँ साफ हो गई, सड़क बन गई जी। और बच्चों, तो आप कौन है छेदीलाल जी के? भतीजे। भतीजे हैं, क्या क्या करते हैं आप? काम करते हैं। काम करते हैं। क्या क्या लगा मुख्यमंत्री जी आपके घर पहुंच रहे हैं? हमको बहुत खुशी है सर, मेरा सौभाग्य है कि मेरे यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। इकलौता मान रहा हूँ मैं पूरे शहर का, नहीं इकलौता आदमी हूँ जो मेरे यहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि मैं बता नहीं सकता सर कि मेरे यहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं। पहले आप तो ये बताइए कि जब आपको पता चला कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्या तैयारियाँ की गई आपके द्वारा? सभी तैयारियों में सर बढ़िया, अच्छे से बकायदे मस्त व्यवस्था कर रहा हूँ सर। आप बताइए क्या स्पेशल क्या बनाया मुख्यमंत्री जी की पसंद का कुछ? हम लोग को बोला गया था कि उनको डायबिटीज है, इस हिसाब से हम लोग सिंपल ज्यादा सिंपल खाना, तो हम लोग मीठे में खीर रखा है जी और तिली के लड्डू रख लिए स्पेशल उनके लिए। अरे वाह जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना कौर है। आपका क्या नाम है? प्रकाश कोल। और स्पेशली वो भी है चने की भाजी उनके लिए, चने की भाजी पका रही है, वो भी देसी तरीके चूल्हे से, चूल्हे में ही बना है जी।
तो ये थे छेदीलाल के परिवार के लोग, आदिवासी परिवार है जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना से घर का लाभ मिला हुआ है और आज यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भोजन करने आ रहे हैं। इस परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है और दूसरी ओर प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ मुस्तैद है। निश्चित रूप से शिवराज सिंह की इस मुहिम से आम जनमानस पे भी बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है। अब देखते हैं कुछ ही देर में यहाँ पर शिवराज सिंह आएंगे, तब आपको न्यूज अब तक वो वाक्य भी वो दृश्य भी दिखाएगा। न्यूज अब तक से वरुण शर्मा। तो आपने देखा मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व वहाँ पर प्रशासन मौजूद था, घर की महिलाएं खाना बना रही थीं और छेदीलाल भी बहुत उत्साहित नज़र आ रहा था। साथ में आसपास के आदिवासी परिवार भी बहुत उत्साहित नज़र आ रहे थे क्योंकि प्रदेश के मुखिया को वहाँ आना था। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह 2:30 पर आदिवासी परिवार के घर पहुंचे, जहां उनका स्वागत आदिवासी परिवार द्वारा किया गया और उसके बाद जमीन पर बैठकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने छेदीलाल के साथ भोजन किया। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, सांसद सतना गणेश सिंह, पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी और जिला प्रशासन के कलेक्टर एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उनके साथ नरेंद्र त्रिपाठी जिलाध्यक्ष भाजपा, पूर्व महापौर ममता पांडे भी रहीं। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उसके परिजनों से बात की और छेदीलाल से समस्या पूछी। उस पर छेदीलाल ने वहां पर मुक्ति धाम बनाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सामने रखा, जिस पर उन्होंने कहा बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी और मुक्तिधाम भी बनवाया जाएगा। मुख्यमंत्री वहां से करीब 1 रुकने के बाद बीटीआई ग्राउंड के लिए रवाना हुए। इस दौरान वहां के परिवार बहुत उत्साहित दिखे और आम जनों ने भी मुख्यमंत्री की इस सरलता सहजता की तारीफ की है। तो ये थी न्यूज अब तक की विशेष रिपोर्ट, न्यूज अब तक से वरुण शर्मा। वन विभाग सतना की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु राजेश राय, वन मंडलाधिकारी जिला सतना। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर केजीएस सीमेंट मैहर की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से पवन अहलुवालिया, MD केजीएस सीमेंट मैहर सतना। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जयपुरिया स्कूल सतना की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा स्कूल सतना जिले में सर्वे में नंबर 1 रैंकिंग पर है, साथ ही सर्व सुविधा युक्त कैंपस, एडमिशन हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सुदीप निगम द्वारा देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से संजय त्रिपाठी, रामू, गुरु बाबा, मित्र मंडल। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विकास पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता की ओर से देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से विकास पांडे, मित्र मंडल। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कर्मठ पत्रकार संघ की ओर से देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। शुभेच्छु केशव तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रवि प्रताप सिंह जिलाध्यक्ष, मुकेश मिश्रा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ अध्यक्ष। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर निवेश चौरसिया की ओर से देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। शुभेच्छु निवेश चौरसिया, मित्र मंडल। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सुभाष शर्मा, डोली भैया की ओर से देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। सौजन्य से सुभाष शर्मा, मित्र मंडल, चित्रकूट विधानसभा सतना।